अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुल्स लाइफस्टाइल से। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बीच व्लॉग। तो अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं बीच पे जाने के लिए। हम आज जाएंगे वुडबाइन बीच और वहाँ जाके बारबेक्यू करेंगे। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। तो सफ़र हमारा स्टार्ट हो चुका है और हम लोग, जैसा कि आपको पता है, ब्रैम्पटन में रहते हैं, तो वुडबाइन बीच टोरंटो में है। पार्किंग टिकट्स ये $9 मैक्सिमम थी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्रोन सीन से। ये देखिए कितना खूबसूरत बीच है, और ड्रोन से तो वैसे भी हर जगह बहुत खूबसूरत नज़र आती है। और समर टाइम है, इसी वजह से यहाँ पे रश भी बहुत ज़्यादा है। अब तो समर ऑलमोस्ट फिनिश ही हो रहा है, सितंबर आ गया है। बस सितंबर तक ही गर्मी होती है कनाडा में, उसके बाद तो फिर ठंड स्टार्ट हो जाती है। तो अभी माशाल्लाह से हमारा बारबेक्यू स्टार्ट हो चुका है। डिफरेंट टाइप के हम लोगों ने बारबेक्यू किया, मलाई टिक्का भी बनाया, फ़िश भी बनाए, सीख कबाब भी बनाए। और आपके साथ एक रेसिपी भी शेयर करूंगी चिकन टिक्के की, लेकिन वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। ये मैंने फ़िश बनाई, बहुत मज़े की बनी थी, ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन टिक्का की। तो यहाँ पे हस्बैंड जो हूँ मैं, वो प्लेटर बना रहे हैं। बहुत ही मज़े का ये प्लेटर बना था। आप भी इसी तरह सर्विंग किया करें, अगर कोई मेहमान आने हो, कोई गेस्ट हो, कुछ भी हो, कोई पार्टी हो किसी किस्म की, तो आप इस तरह से करें तो बहुत अच्छा लगेगा, आपके गेस्ट बहुत खुश हो जाएंगे। ये पठानों वाली चटनी है। yeah. इसमें क्या क्या था? लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर, नमक, थोड़ा सा सिरका। सिरका भी अफगानी लोग भी यही चटनी खाते हैं।
सब लोग यहाँ बहुत इंजॉय कर रहे थे क्योंकि कनाडा में तो समर टाइम ही है जिसमें सही अच्छा इंजॉय होता है। खाने के बाद फिर चाय तो मस्त है और मैं तो जब तक चाय ना पी लूँ मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता कहीं भी जाना। सबसे पहले चाय होनी चाहिए और खाने के बाद तो मुझे चाय ज़रूर चाहिए होती है। फिर हम लोगों ने चाय बनाई और यहाँ पे वॉलीबॉल खेल रहे हैं लोग। ये बाथरूम था करीब ही, हमारे बीच के करीब ही था तो दूर जाना नहीं पड़ा हम लोगों को। तो अभी हमारी वापसी थी तो रास्ते में बच्चों ने बोला कि उनको बोबा टी पीनी है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये जेराड स्ट्रीट पे थी टोरंटो में ही, तो बच्चों ने कहा कि हम लोगों ने यहीं से लेनी है। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। यहाँ से हम लोगों ने फिर चार जो है वो बोबा टी ली। मैंने अपने लिए भी ट्राई की, फ़र्स्ट टाइम मैंने पी, लेकिन अच्छी थी, बहुत मज़े की थी, मज़ा आया पी कर। तो बच्चों ने भी अपने लिए ले ली और छोटे बेटे ने जो था वो मैंगो स्लश ले लिया। अभी हमारी घर की तरफ वापसी है तो रास्ते में फिर बच्चों ने बोला कि पापा हमें जाना है प्लेन लैंडिंग और टेक ऑफ जहाँ से होते हैं पियर्सन एयरपोर्ट के पास एयरपोर्ट रोड पे, तो वहाँ चलते हैं क्योंकि वो लड़के हैं तो उनको बहुत पसंद है लैंडिंग देखना और जहाज़ जब टेक ऑफ होता है उस वक्त देखना। तो ये बिल्कुल रोड के पास है, ये सामने सारा ये एयरपोर्ट है और यहाँ से जहाज़ लैंड कर रहे थे तो बच्चे बहुत खुश हुए। अभी तो छोटे जहाज़ थे, इससे पहले तुर्किश एयरलाइन गई लेकिन वो तो बहुत बड़ा था, ये तो एयर कैनेडा है। तो बस थोड़ा सा बच्चों को यहाँ पे इंजॉय करवाया, उसके बाद हमारी फिर वापसी होगी। आई होप आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।